दोस्तों BHU एडमिशंस का चार बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जिसमें शामिल होगा UG भी, PG भी और स्कूल्स भी। यानी BHU के सारे कोर्सेज का अपडेट्स देने वाला हूं, इसके साथ साथ स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी का भी। यानी BHU का कोई कोर्स मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, सबकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आपको ये जो अपडेट्स है ना सही में अच्छी लगेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, जरूर आपको अच्छी लगेगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, पहले पसंद मत कीजिएगा, पसंद आ जाएगी तब लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चार अपडेट्स आपको बताता हूं। सबसे पहला अपडेट यह है कि यूपी का बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, 10वीं और 12वीं का, लेकिन CBSE का नहीं आया है, जिसके वजह से BHU में क्लास 11th में जो भी बच्चे ने अप्लाई किया है उनको क्या करना होगा, अपने मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, तभी तो आपका मेरिट डिसाइड होगा, तभी तो आपको रैंक डिसाइड होगा। किसी को 80% मिलेगा, किसी को 90%, किसी को 99 मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड होगा। और रैंक को डिसाइड करने के बाद ही क्लास 11th में सेंट्रल हिंदू स्कूल्स गर्ल्स एंड बॉयज में एडमिशन होगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि CBSE बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बेसिस पे ही क्लास 11th में BHU में एडमिशन होगा। और आपको जैसे अप्लाई किया था ना लॉगिन करके, उसी तरह लॉगिन करके भी आपका मार्कशीट अपलोड करना होगा और आपके मार्क्स डालने होंगे कि कितने आपका मार्क्स आया है, कितने परसेंटेज आया है, उसी के बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ये पहला अपडेट था। अब देखिए दूसरा अपडेट क्या है। दूसरा अपडेट है कि PG और मास्टर कोर्सेज का फॉर्म का लास्ट डेट है वो 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आज 8 है तो 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं CUET PG में 10 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जाके। तो आपको बहुत अच्छा मौका है, अभी भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं जिनमें आपने अप्लाई किया ही नहीं हो, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि किसी एक कोर्स का भरोसा नहीं कि आपका एडमिशन होगा, इसलिए एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर लीजिएगा और एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं जब CUET का फॉर्म भरते हैं। तो 10 जुलाई को ये फॉर्म है लास्ट डेट, उसमें अप्लाई कर सकते हैं BHU के PG में और मास्टर कोर्सेज में। अब रहा PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसको बोलते हैं स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी SCS, यहां देखिए SCS लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी। यानी बिल्कुल स्पेशल है, इसमें 1 साल का कोर्सेज है, 2 साल का कोर्सेज है, 6 महीने का कोर्सेज है, बिल्कुल स्पेशलाइज फील्ड के लिए है, बिल्कुल आपको स्पेशल बना दिया जाएगा। तो इस स्पेशल कोर्सेज में लास्ट डेट है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई में अभी अच्छा खासा समय है, आप लोग इन सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। और इसका जो मेरिट पे किसी कोर्स में एडमिशन होगा, किसी का टेस्ट होगा, तो इसमें एडमिशन लेना आसान होता है एज कम्पेयर टू PG और UG, जो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी हो इसमें आसान होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि इतना भी स्पेशल कोर्सेज है जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो, छोटा पैक बड़ा धमाका, यानी छोटा कोर्स में बड़ा धमाका हो सकता है। तो छोटे छोटे मेडिकल कोर्सेज जैसे डेंटल के कोर्स होते हैं, डेंटल मैकेनिक्स के, ये सब कोर्स के मेडिकल फील्ड में आप लोग करियर बना सकते हैं विदाउट नीट, नीट के द्वारा ना जाके भी आप मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं, वो सब स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी में आता है। तो 3 बड़े अपडेट दे दिए। चौथा अपडेट देखिए, चौथा अपडेट है कि 12 जुलाई तक फ्री जो कोचिंग हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में IAS का कोचिंग के लिए, सिविल सर्विस कोचिंग के लिए, IAS IPS के कोचिंग के लिए, तो 12 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इस कोचिंग में सिर्फ शेड्यूल कास्ट से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्म निकला हुआ है, 12 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्विस कोचिंग 2022-23 के लिए। तो ये 4 बड़े अपडेट है जो कि सबको जानना चाहिए। और यूजी का मैं बता देना चाहता हूं कि यूजी के लिए भी 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है, तो कुछ दिनों में 1 वीक ही बचा हुआ है, इस 1 वीक में आप सिर्फ रिवाइज कीजिए। CUET के द्वारा जो 5 लाख एप्लीकेशंस आए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो एप्लीकेशंस आए हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अब बचे हुए दिनों में टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज कीजिए, नया चीज़ पढ़ने को अवॉइड कीजिए, और जितना रिवीजन कीजिएगा, तो अभी जो बचे हुए दिन है इसमें रिवीजन इज अ की, रिवीजन आपके कुंजी है टेस्ट निकालने के, तो जितना रिवीजन हो सके CUET UG के लिए वो कीजिए। PG का भी डेट आना बाकी है, तो आप लोग बेसिक भी पढ़ सकते हैं, स्कूल वाले तो मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होगा, तो आप लोग CBSE बोर्ड का इंतजार कीजिए। ये अपडेट अभी आपको कैसे लगी है आप दिल से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत लाइक कीजिएगा, कोई लाइक करना जरूरी नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आगे और कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ जिसमें आपकी भलाई हो, आपके परिवार की भलाई हो और देश की भलाई हो, ऐसे वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।